बात अब जकूरा हमले के शहीद घनश्याम की करेंगे। कल शाम श्रीनगर के पास जकूरा में आतंकी हमले में कांस्टेबल घनश्याम शहीद हो गए थे। आज उन्हें श्रीनगर में उनकी शहादत को सलामी दी गई। घनश्याम राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं और उनके पैतृक गांव में कल से ही मातम पसरा हुआ है। गांव को घनश्याम की शहादत पर गर्व है, लेकिन वीर जवान के खोने का भी गम है। आज ही उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। कल जिस तरह से एसएसबी के काफिले पर आतंकी जरगर के संगठन ने हमला किया था, उसमें कांस्टेबल घनश्याम शहीद हो गए थे। घनश्याम राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें ये, जब उन्हें सैनिक सम्मान दिया जा रहा था, उनकी शहादत को सलामी दी जा रही थी। देश में भी एक शहीद हुआ है, चाहे हमारे हजारों भी शहीद हो जाए, तो हम राजस्थान इंडिया के आदमी पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हमारा भाई छोटा भाई 21 साल का शहीद हुआ है, हमें उसको बहुत दुख है, गर्व भी है कि हमारा ऐसा भाई होना चाहिए और देश की रक्षा करना चाहिए। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सीधे आपको इस वक्त लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां कल जकूरा में हुए आतंकी हमले में शहीद कांस्टेबल घनश्याम को अंतिम विदाई दी जा रही है। कल एसएसबी के काफिले पर आतंकी जरगर के संगठन ने अटैक किया था, हमला किया था, जिसमें कांस्टेबल घनश्याम की शहादत हो गई थी। घनश्याम राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं। कल एसएसबी काफिले पर हुए हमले में घनश्याम शहीद हो गए और इस वक्त पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना के बड़े अफसर और दूसरे अधिकारी भी इस वक्त श्रीनगर में वहां मौजूद हैं, जहां पर शहीद घनश्याम का पार्थिव शरीर रखा गया है। एसएसबी का एक काफिला, जिसमें आतंकी जरगर के कुछ लोगों ने हमला किया और आज ही उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव दौसा भेजा जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई वहां पर दी जाएगी और वहां पर भी इसके लिए तैयारियां की गई। हालांकि उससे पहले श्रीनगर में उन्हें सैन्य सम्मान दिया जा रहा है।